हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम इन पोको मोबाइल। तो फ्रेंड्स, आप अपने पोको मोबाइल के अंदर अपने आप स्क्रीन बंद हो जाने वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को क्लिक करना है। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे सेटिंग्स को क्लिक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखने को मिलता है स्लीप का, तो स्लीप पे क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरा स्लीप 15 सेकंड पे सेट है, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, जब भी मेरा 15 सेकंड पे सेट होता है जब भी फ्रेंड्स ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे शो होता है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसलिए इसको सेट करना है 10 मिनट पे। जैसे आप यहाँ पे 10 मिनट पे सेट कर देंगे तो आपका जो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रहा था इसलिए यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।